हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल मजे में। तो दोस्तों, आज आपका भाई आपके लिए एक अल्टीमेट रेसिपी लेके आया है। नॉर्मल कढ़ाई पनीर तो आपने खाई होगी कितनी बार, मार्केट में भी, इधर भी, उधर भी, कई लोग बनाए होंगे, मम्मी पापा कोई भी, कहीं पे भी खाई होगी, रेस्टोरेंट में भी खाई होगी, बाहर भी खाई होगी, ढाबे पर खाई होगी, सब जगह खाई होगी। लेकिन ये जो कढ़ाई पनीर की रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसका स्वाद ओहो, मैं बोल ही नहीं सकता, मतलब वर्ड नहीं है बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाई गई है। इस रेसिपी को बहुत ही ध्यान से और खास तरीके से देखिएगा प्लीज दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक अगर पसंद आता डेफिनेटली करना, वो आनी आनी है आपको। प्लस इसको शेयर करना सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बना पाए और इस रेसिपी को पहचान पाए और समझ पाए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट देखते हैं। करें। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम ले लिया है, अनियन ले लिया है और मैंने पनीर ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से बारबेक्यू में रोस्ट किया, क्योंकि ये रेसिपी जो है बिल्कुल दोस्तों एकदम ही डिफरेंट है, जबरदस्त वाली है, एकदम यूनिक, ऐसे मिलेगी नहीं आपको कहीं पे भी, तो बिल्कुल अलग है। इसको आप देखिएगा। तो इसमें यह सब मिला के मैंने रोस्ट करके अलग से रख लिया, बट एक अलग सीक्रेट और एक और वो यह है दोस्तों, इसको अलग से देखिए मैंने निकाल के रख लिया। ये कैप्सिकम फ्रेश है, ये अनियन बिल्कुल फ्रेश है, एकदम अलग है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब सबसे जबरदस्त तरीका तो मैंने आपको बताया नहीं, जो कि सीक्रेट है इस रेसिपी की, इसको तो आपको शायद ही कहीं ना कहीं मिले। इसमें मैंने ये मिक्सर ऐसा है ना, मतलब ये आप सब्जी में डालते ही यूनिक है, सब्जी का टेस्ट ऐसा हो जाएगा कि मतलब शायद आपने कभी खाया। पता है इसमें क्या किया दोस्तों? इसके अंदर मैंने मिलाया है कस्तूरी मेथी, मोटा वाला जो धनिया होता है, बारीक मोटा धनिया का, धनिया के बीजेस, ठीक है। और इसमें लौंग, इलायची प्लस आपका काली मिर्च के दाने, ये सारे को मिक्स कर दिया, हल्का सा रोस्ट कर, बिल्कुल हल्का सा उसमें रोस्ट करना है, उसको मिला के रख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैंने काजू का पेस्ट ले लिया है, काजू को हल्का सा रोस्ट किया है और उसको बारीक उसमें मैंने ग्राइंड कर दिया है मिक्सर में। आइए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए भाई के तो जरूर लाइक करिएगा। ऐसी जबरदस्त रेसिपी आपको इसमें मिलती चली जाएगी। ओके दोस्तों, तो देखिए मैंने अनियन और कैप्सिकम को जो नॉर्मल लाइट ऑयल था उसमें मैंने इसमें रख दिया, इसको हल्का सा रोस्ट कर रहा हूँ, हल्का सा रोस्ट करेंगे सॉटे। हाँ, इसमें दोस्तों देख सकते हैं मैंने हल्का सा बटर डाल दिया है, बटर ना भी हो तो भी चलेगा, अमूल बटर डाल हल्का सा यूज़ किया, इससे थोड़ा सा फ्लेवर अलग ही टेस्ट आता है उसको। आप डाल लें तो जाए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते, कोई जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट पकने वाला है, बढ़िया एकदम। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया। अब इसमें सीक्रेट मैजिक वाला मसाला, अजय जलाल का जादुई मसाला, ये देखिए पढ़ने जा रहा है जो मैंने आपको बताया। ये क्या बात है, देखिए अल्टीमेट, ये बात। 2 चम्मच डाल दिया इसमें मैंने, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा पानी यूज कर सकते हैं, तो पानी डाल दिया इसमें, लग रहा ना दोस्तों जबरदस्त एकदम मस्त, गजब की खुशबू आ रही है दोस्तों। इसमें हमें ज़्यादा भूनना नहीं, क्योंकि मसाले हमें ऑलरेडी भून चुके हैं, इसमें कुछ और मसाला पड़ेगा नहीं, ऑलरेडी मसाला डाल दिया हमें। इसका सीक्रेट ही दोस्तों यही है कि मतलब इसमें जो भुने हुए मसाले हमने ऐड किए ना, वही इसकी असली रेसिपी है। मतलब इसी की वजह से आपको इसका जो टेस्ट इन्हांस होगा ना, टेस्ट बूस्टर, वो यही कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, और मसाले कुछ ऐड नहीं करने, ऑनली नमक डालना है स्वाद अनुसार। देखिए दोस्तों मैंने बाकी वाले जो रोस्टेड वाले मटेरियल था वो भी मैंने इसमें डाल दिया पूरा। अब इसमें नमक डालना है और कुछ भी जरूरत नहीं डालने की, हल्का सा भूनना है इसको। देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया इसमें, अभी नमक भी डाल दिया, अब इसको अच्छे से हम इसको रोस्ट करेंगे, और अभी इसमें मैं दूध डालूंगा, दूध आप देखेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें ये काजू जो था, काजू का पाउडर हुआ, ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया थोड़े से, ये करीब करीब मैंने इसमें 2 चम्मच डाला हूँ, ये बात है ना जबरदस्त, बस ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगा थोड़ा सा, यही तो बात है इसका। इसमें अब इसको अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा सॉस इसमें यूज़ करूँगा मैं अभी, वो हल्का सा मिठास लेके आता है इसमें, ये आपको बिल्कुल ध्यान दे। देखिए दोस्तों इसमें मैंने सॉस ऐड कर दिया है, ये देखिए क्या बात है, एकदम मस्त वाली दिख रहा है ना अल्टीमेट एकदम। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोस्तों। इसमें बारबेक्यू जो जो मैंने आपको बताया ना, बारबेक्यू करके डाला हुआ है, वो मैंने ऑलरेडी कल जो वीडियो डाली है, पहली वाली वीडियो, आप उसमें देख सकते हैं कि बारबेक्यू में कैसे इसको रोस्ट करना होता है पनीर कैप्सिकम को। तो आप कर भी सकते हैं उसमें, अगर नहीं भी है तो कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट अगर वैसा करेंगे तो रेसिपी का अलग मजा आएगा कहते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें आप बाहर का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने घर की मलाई जो दूध से निकलती है ना, भैंस के दूध से या बकरे के, सॉरी गाय के दूध से, वो मैंने इसमें ऐड किया है। देखिए ये क्या मस्त लग रही है, एकदम जबरदस्त अल्टीमेट, अपनी सब्जी रेडी, एकदम क्रीमी क्रीमी, जबरदस्त वाली। हाँ मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर का क्रीम भी। तो दोस्तों हमारी सब्जी रेडी हो गई है, अब हम जा रहे हैं इसको एंजॉय करने।
होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिए। ऐसी वीडियो बहुत जल्दी बनती है, मैक्सिमम 25 मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।